हेलो फ्रेंड्स तो आज हमारे पास एसुस आर ओ जी स्ट्रिक्स जी फिफ्टीन है रिव्यू के लिए ओवरव्यू के लिए हम इसको देखने वाले हैं कि कैसा लैपटॉप है बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस एवरीथिंग प्लस हम इसको अपग्रेड भी करने वाले हैं पीछे का पैनल खोल के एस अपग्रेड करनी है सो स्टेक विद दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट विद बिल्ड क्वालिटी सो so, आपका जो टॉप पैनल है एंड जो कीबोर्ड वाले एरिया है जहाँ पे बेसिकली आपका हाथ जाएगा जहां पे आप टच करेंगे इस लैपटॉप को वो सारा सॉफ्ट टच प्लास्टिक है तो फील काफी अच्छा आता है जो आपका बैक पैनल हो गया पीछे का एंड देन साइड के जो एजेस है वहां पे प्लास्टिक थोड़ा हार्ड है ओवरऑल जो प्लास्टिक की क्वालिटी एंड बिल्ड है काफी अच्छी है की में फ्लेक्स भी बहुत कम है बहुत स्लाइट सा होता है एंड जो की स्ट्रोक्स है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है अच्छा फील देते हैं आपको टाइप करते समय अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आपके राइट साइड में दो यूएस टाइप ए पोर्ट्स हैं दोनों ही फास्ट हैं एंड बैक साइड में बाकी आपके सारे पोर्ट्स हैं तो आपका इंटरनेट हो गया चार्जिंग के लिए हो गया एक यूएस टाइप सी पोर्ट है जो डिस्प्ले पोर्ट ऑप्शन के साथ आता है देन आपका एस पोर्ट हो गया एंड देन आपका एक और टाइप ए यूएस पोर्ट है यहाँ पे एंड जो लेफ्ट साइड है वो प्रॉपर क्लीन है वहाँ पे सी वेंट्स हैं डिस्प्ले की बात करें तो यू गेट 144 फोर्टी फोर हर्ट टेन इंच डिस्प्ले जो कि एक अच्छा डिस्प्ले है 144 फोर्टी गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है पीक ब्राइटनेस अराउंड फोर हंड्रेड है तो आप नॉर्मल डे लाइट में आराम से काम कर सकते हैं इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी काम कर सकते हैं आप इस लैपटॉप पे हो सकता है बहुत ज्यादा शार्प लाइट है तो थोड़ा बहुत इशूज हो इसके अलावा अगर आप कोई कलर एक्यूरेट काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे कलर एक्यूरेसी ठीक ठाक है आप बिल्कुल काम कर सकते हैं बट इफ यू नीड टू डिलीवर इट

ओवरऑल जो स है गेम्स में बहुत ही अच्छा है और अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि अगर आपको इस लैपटॉप को अपग्रेड करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बेसिकली दो स्टिक हैं तो वो रैम वाला पार्ट सॉर्टेड है बट अगर हम स्टोरेज की बात करें तो पांच सौ बारह जीबी थोड़ा कम पड़ जाता है इसीलिए आज हम इसका स्टोरेज अपग्रेड करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे फिलिप्स स्क्रूज है जिनको आपको अनस्क्रू करना होगा एंड देन एक कार्ड की हेल्प से आप ऐसे घुमाइए तो ये आपका जो बैक पैनल है खुल जाएगा इन खोलने के बाद इसको थोड़ा सा लिफ्ट करके रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे आपके जो एलईडी स्ट्रिप्स हैं उनको आपको पहले निकालना पड़ेगा और अगर आपने पूरा उठा दिया तो टूट जाएंगे ये आ गया आपका बैक पैनल बाहर ये देखिए ये दो जो स्ट्रिप्स है ये जो दो इसके पोर्ट अब देखिए यहाँ पे आपके एस एस डी के स्लॉट है ये दो रैम के स्लॉट्स है यहाँ पे आपका वाई फाइन देन ये आपके जीपीयू एंड सीपीयू एंड दो फैन ओवरऑल कूलिंग जो है काफी अच्छी दी गई है और ये हमारा क्रूशियल का वन टीबी एस एस है इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं आपका स्टोरेज यानी

हल्का सा प्रेस करिए एंड देन जो बचे हुए स्क्रूज हैं उनको टाइट कर दीजिए सो so, ऐसे आप इस लैपटॉप के गाइज रैम स्टोरेज वाईफाई मॉड्यूल्स इनको अपग्रेड कर सकते हैं सो so, ओवरऑल ये आर ओ जी स्ट्रिक्स जी फिफ्टीन गाइज एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन है अंडर नाइन्टी थाउजेंड रुपीज अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में पूछिए इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई एल सी यू सून टिल देन टेक केयर बाय